दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं SMS इंडिया। और आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेके। इस बार हम लोग बात करने वाले हैं लीड जनरेशन एंड लीड ऑटोमेशन फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड स्कूल। तो चलते हैं PPT पे और देखते हैं किस तरीके से हम लीड जनरेट कर सकते हैं और उनको किस तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं। तो मैं वापस अपनी PPT में आ गया हूँ और यहाँ पे मैंने एक स्लाइड में आपके लिए लिखा है कि लीड जनरेशन एंड ऑटोमेशन फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ओके, तो ये देख लेते हैं किस तरीके से हम लीड जनरेट करेंगे अपने किसी क्लाइंट के लिए। मान लीजिए आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और आपका कोई एजुकेशनल क्लाइंट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपका कोई क्लाइंट है, तो उनके लिए आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। या आप खुद एक स्कूल के ओनर हैं और आप अपने स्कूल के लिए या अपने इंस्टीट्यूट के लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें और बात करें तो दो तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हैं, एक है ऑफलाइन वे और एक है ऑनलाइन वे। दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं और दोनों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है लीड जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑफलाइन वे को कि ऑफलाइन वेज के थ्रू आप किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, ऑफलाइन वेज बहुत सारे होते हैं। आप होर्डिंग के थ्रू लीड जनरेट करते हैं, आप एग्जीबिशन के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं, आप पेपर एड के थ्रू लीड जनरेट करते हैं, देन आप लीड जनरेट करते हैं थ्रू मल्टीपल सोर्सेज, जिसको आप यू नो टेलीकॉलिंग हो गया या एक किसी से इंक्वायरी आपको मिल गई, तो एक उस तरीके से लीड जनरेट करते हैं। देन आप कॉल्स करते हैं, उसके थ्रू आपको लीड मिल जाती है, देन ईमेल्स के थ्रू आपको लीड मिल जाती है। ये सारी की सारी ऑफलाइन वेज के थ्रू आपको लीड मिलती है। अगर आप इनको ऑटोमेट करना चाहते हैं तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप हमारे सॉफ्टवेयर ऑटोरेस्पॉन्डर के अंदर ये सारी लीड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि सारी की सारी लीड इंपोर्ट हो जाएंगी आपके सेंट्रलाइज लीड मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। एंड देन ये सारी लीड्स का अलर्ट जाएगा आपके एक काउंसलर के ऊपर, जो कि इन लीड्स के ऊपर बात करेगा, समझेगा और उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। साइबर जो सिस्टम में फॉलोअप सिक्वेंसेज स्टार्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। मान लीजिए ऑफलाइन से आपको कोई लीड आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट लीड सोर्सेज हैं, एग्जीबिशन है, होर्डिंग है, कहीं से भी आपको लीड आ रही है, उसके ऊपर इस तरीके के ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके ऊपर आपके इंस्टीट्यूट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पुश होने लगेंगी, एक वेलकम ईमेल चला जाएगा, एक वेलकम SMS चला जाएगा, दूसरे दिन आप उनको कुछ टेस्टिमोनी भेज सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं ऑन डिफरेंट डिफरेंट डेज। तो इस तरीके से आप ऑफलाइन लीड्स को बहुत अच्छी तरीके से इंगेज कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने कॉलेज के लिए, अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण तरीका है, वो है आपका ऑनलाइन वेज। ऑनलाइन वेज में बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ से आपके पास लीड आते हैं। एक तो ऑनलाइन इंक्वायरी के थ्रू आपके पास लीड आती है, ठीक है, किसी ने आपकी वेबसाइट देखी और उन्होंने आपके नंबर पर कॉल कर दिया, तो एक ऑनलाइन इंक्वायरी के थ्रू लीड आती है। सिर्फ सपोज आपके कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो फील्ड पर विजिट करते हैं, जो सेल्स को देखते हैं, वो आपके लिए लीड ला सकते हैं। इसके अलावा आपकी वेबसाइट का कॉन्टैक्ट फॉर्म या लैंडिंग पेज है जिसके थ्रू लीड आती है, या आप कहीं मल्टीपल सोर्सेज से लीड ले रहे हैं, API के थ्रू आपके पास लीड आती है, या फिर आप सोशल मीडिया पे अपने एड्स को रन कर रहे हैं, जैसे कि फेसबुक है, गूगल है, आपके अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, चाहे वो लिंक्डइन है, आप वहाँ से ऐड रन करके अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी लीड आप ऑनलाइन जनरेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई एजुकेशनल फेयर में जाते हैं तो वहाँ से आपके पास लीड जनरेट हो जाती है। इवन आप पेड टूल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि 360 है, एक कैरियर 360 है और Hikshta.com वगैरह है, यहाँ से अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन को रिलेवेंट लीड आती है तो वो भी आप ऑनलाइन में ही काउंट करते हैं। अब ये सारी की सारी लीड आ जाती हैं, इन सबको आप ऑटोमेट कर सकते हैं हमारे इस ये जो ऑटो रिस्पॉन्डर सॉफ्टवेयर, इसके थ्रू सारी की सारी लीड एक सेंट्रलाइज लीड मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर होती हैं। और जैसे ये लीड स्टोर होती है, इमीडिएट इसका जो अलर्ट है, जैसे मान लीजिए आपके पास फेसबुक से कोई लीड आई, इमीडिएटली इसका अलर्ट आपके काउंसलर के पास चला जाएगा कि यू हैव अ लीड फ्रॉम फेसबुक। तो काउंसलर उस पर इमीडिएटली कॉल करके उस पर्टिकुलर लीड को कन्वर्ट करने की को ट्राई कर सकता है, उसको कन्वर्ट कर सकता है। सेम विथ अदर, अगर आप किसी ट्रेड फेयर में आउट ऑफ लाइक आपके स्कोप के बाहर है, आप बाहर है, लाइक आपके स्टेट या आपके रीजन के बाहर है, और वहाँ से आपके पास लीड आ रही, तो सारी की सारी लीड्स का अलर्ट आपके काउंसलर के पास आने लगेगा और वो उस पर बात करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। साइड बाई साइड क्या होगा कि हमको ऑनलाइन लीड्स के लिए एक रिस्पॉन्डर क्रिएट करना पड़ेगा, फॉलोअप सिक्वेंस क्रिएट करना पड़ेगा, वो हमको जिस तरीके से करते हैं, जैसे कि मान लीजिए फेसबुक से कोई लीड आई तो वो लीड के पास इमीडिएट एक वेलकम ईमेल और SMS चला जाएगा, एक फॉलोअप क्रिएट हो जाएगा, और वो फॉलोअप फिर day 1, day 2, day 3 और day 4 ऐसे करके आप लंबे समय तक का फॉलोअप भी क्रिएट कर सकते हैं। सेम विद वेबसाइट कॉन्टैक्ट फॉर्म है, सेल्स टीम है, इंक्वायरी है, कहीं से भी कोई लीड आती है, वो सारी की सारी लीड का अलर्ट इमीडिएटली आपके काउंसलर के पास चला जाएगा, देन आप
सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ऑटोमेशन स्टार्ट कर देगा, उसके ऊपर वेलकम ईमेल एंड एसएमएस जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये दो तरीके से आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लीड जनरेट कर सकते हैं और उनको यू नो कन्वर्ट करके ऑटोमेशन के थ्रू कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही हाईली एंड एडवांस लेवल का सिस्टम यहाँ पे हम दिखा रहे हैं जो अगर आप यूज़ करते हैं, लेकिन ये मल्टीपल लोकेशंस और बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करके बनाया गया है, आप समझ सकते हैं। तो नॉर्मली यूज़र्स के जो कॉल्स हैं वो ईमेल यूज़र जो आपका ऑफिस का जो स्टाफ है या जो आपका एक यू नो रिसेप्शनिस्ट है या एक टेलीफोन पिक करने वाला है जो कॉल रिसीव कर रहे हैं उनके पास कॉल आएगा, वो कॉल ईमेल कॉल आएगा, कॉल के थ्रू वो जो भी डेटा इनके पास आएगा वो सीआरएम में देखें इंसर्ट, या इनके पास कोई ईमेल के थ्रू कोई इंक्वायरी आती है वो सारा डेटा मैनुअली देखें इंसर्ट इनटू द सीआरएम। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर ऑनलाइन लीड आ रही है, ऑनलाइन लीड का मतलब है कि वो वेबसाइट फेसबुक कोई भी किसी भी ऑनलाइन सोर्स से आ रही है, चाहे वो वेबसाइट कॉन्टेक्ट फॉर्म से आ रही है, आपका किसी पर्टिकुलर एड से आ रही है, कोई आपकी ऑनलाइन टीम है जो काम कर रही है किसी पर्टिकुलर डेटा पे, तो वहाँ से कोई जो लीड आ रही है वो सारे के सारे डेटा का जो 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 डेटा है वो इस पर्टिकुलर सीआरएम में स्टोर हो जाता है। देन यूज़र उस पर्टिकुलर लीड को अलोकेट करेगा ए कि ये ए ऑफिस के लिए लीड है या बी ऑफिस की लीड है, मतलब किस जगह की ये लीड है अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस हैं। आफ्टर दैट वी हैव ऑप्शन लीड्स आर असाइन टू द मैनेजर वन, मतलब ये जो यूज़र है इस ये जो यूज़र है ये लीड को असाइन कर देंगे किसी पर्टिकुलर मैनेजर के पास, एंड मैनेजर असाइन लीड्स टू द सेल्स पर्सन। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट यू नो तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लीड्स को डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पर्सन के थ्रू यू नो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन लीड्स आर असाइन टू सेल्स पर्सन इन राउंड रॉबिन वे, राउंड रॉबिन मतलब एक लीड किसी एक सेल्स पर्सन के पास जाएगी, एक लीड किसी दूसरे सेल्स पर्सन के पास जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि ऑप्शन वन में लीड्स आर असाइन टू मैनेजर वन, एंड मैनेजर ने क्या करा है, मैनेजर असाइनिंग लीड्स टू सेल्स पर्सन, तो उसने ये तीनों को दे दिए। अब ये तीनों के पास कैसे जाएंगे, अगर राउंड रॉबिन फॉर्मेट हम यूज़ नहीं करेंगे तो ये लीड किसी एक के पास जाएगी। तो राउंड रॉबिन में क्या होता है कि जब अगर ए पर्सन का कॉल बिजी है तो वो लीड ऑटोमेटिकली दूसरे के पास चली जाएगी, दूसरे का भी जीरो तीसरे के पास चली जाएगी। तो राउंड रॉबिन के थ्रू ये लीड्स इसके अंदर जाती रहेगी, आपके सेल्स टीम उस पर बात करेगी और उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बी ऑफिस के लिए उन्होंने लीड एलोकेट की थी, बी ऑफिस की जो लीड थी वो लीड असाइन हुई मैनेजर वन को, और मैनेजर ने अपने डाउन द लाइन अपने सेल्स पर्सन को असाइन कर दी और सेल्स वालों ने उस लीड से बात करके उनको कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप काफ़ी बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। अगर मल्टीपल लोकेशन से आप आईवीआर कनेक्ट कर सकते हैं हमारा, आप पीआरआई लाइन कनेक्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं, वो सारी की सारी लीड एक पर्टिकुलर सिस्टम में स्टोर होती है जिसको हम सीआरएम बोलते हैं, और वहाँ से फिर ऑटोमेशन स्टार्ट होता है और आप अच्छी खासी कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। एक और स्लाइड है जिसमें हमने लिखा गेट ऑल लीड्स ऑन योर मोबाइल, आपको जिस भी लीड सोर्स से लीड आ रही है चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो गूगल हो शिक्षा डॉट कॉम हो 360 है, आप किसी ट्रेड फेयर में हैं सॉरी किसी एजुकेशन फेयर में हैं या आप किसी आपकी वेबसाइट है वहाँ से कोई लीड आ रही है, वो सारी सारी लीड का अलर्ट आपके हैंडसेट पे या आपके किसी सेल्स पर्सन के हैंडसेट पे भी हम डिलीवर कर सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे यह है कि आप इमीडिएटली उस लीड पर रिस्पॉन्ड करके बात करके क्लोज कर सकते हैं। देन आप पर्सनलाइज मैसेजेस भी पुश कर सकते हैं और लीड्स के ऊपर, जैसे कि आपके पास फेसबुक से काफ़ी अच्छा डेटा आ गया, गूगल से बहुत अच्छा लीड्स आ गई हैं या दूसरे लीड सोर्सेज सबके पास काफ़ी अच्छी लीड्स आ रही हैं और आप चाहते हैं उन सबको सिंगल टाइम में बल्क में प्रमोशन या बल्क में एक्टिविटी या बल्क में कोई ऑफर पुश करना चाहते हैं, कोई अलर्ट भेजना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये एक फेसबुक का ऑटोमेशन फ्लो बना हुआ है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए आपके स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट का कोई फेसबुक ऐड रन हो रहा है, वहाँ से कोई लीड आती है वो इमीडिएटली लीड सेंट्रलाइज लीड मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर होती है और वहाँ से ये सारा का सारा डेटा या सारी की सारी लीड आपके सेल्स या आपके काउंसलर के पास इमीडिएटली डिलीवर होती है, उनके हैंडसेट पर डिलीवर होती है और आपके काउंसलर चाहें तो उस पर इमीडिएटली बात करके उस लीड को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक से जो लीड आ रही है सिस्टम उसको ऑटोमेट भी कर रहा है थ्रू फॉलोअप सीक्वेंसेस, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक इमीडिएट ईमेल एंड एसएमएस चला जाएगा, डे वन डे टू डे थ्री जैसा भी आपको क्रिएट करना है क्रिएट कर सकते हैं, आने वाले नेक्स्ट 60 डेज 30 डेज जैसा भी आपको सिस्टम बनाना है आप बना सकते हैं। सेम विद गूगल, गूगल से भी अगर आपको कोई लीड आती है गूगल प्लेटफॉर्म से आपको लीड जनरेट करते हैं वो भी आपके सेंट्रलाइज लीड मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर हो जाती है, वहाँ से सिस्टम उस लीड को आपके काउंसलर के नंबर पर भेज देगा और साइड बाई साइड फॉलोअप सीक्वेंस भी काम करेंगे। तो इससे बहुत हाईली चांस हो जाते हैं आपके लीड को कन्वर्ट होने के, बिकॉज बहुत सारे फॉलोअप उसके अंदर स्टार्ट हो जाते हैं।
देन अगर आप कोई प्रीमियम टूल यूज़ कर रहे हैं जहाँ से आपके पास कॉल वगैरह आते हैं, आप उनको भी सिस्टम के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे जोहो एंड ओलार्टी है, सिस्टम वही है, अलर्ट्स आपके काउंसलर के पास जाएंगे और फॉलोअप सिक्वेंसेस अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब आपके पास अगर लीड किसी पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे आती है, जैसे जीमेल पे आपके पास अलग अलग जगह से लीड्स आती हैं, आप उनको भी ऑटोमेट कर सकते हैं। सिंपली आपका जीमेल का यूज़र आईडी पासवर्ड हमारे इस ऑटो रिस्पॉन्डर सॉफ्टवेयर में डालेंगे और फिर डेटा फेच होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही इससे कोई लीड आएगी, उसका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपके सेल्स वाले आपके काउंसलर के मोबाइल पर ट्रिगर हो जाएगा एंड यहाँ पर फॉलोअप सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, वो अलग अलग कॉन्टेंट शेयर करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर आपकी कोई सेल्स टीम है या फिर कोई टेलीकॉलिंग टीम है जो आपके लिए बिजनेस जनरेट कर रही है, तो उनको आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास एक हॉट लीड है, आपको पता है कि एक लीड हॉट है, हॉट लीड है, उसको आप क्या सेंड कर सकते हैं, उसको आप प्रपोजल भेज सकते हैं सिस्टम के थ्रू, आप ईमेल भेज सकते हैं, या आपने कुछ एक्टिविटी की है और उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आप रिमाइंडर पुश कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सारी की सारी चीज़ें आप उनके व्हाट्सअप नंबर पर भी भेज सकते हैं आपके सेल्स वाले चाहें तो, मतलब उनके खुद के व्हाट्सएप से ये सारी चीज़ें उनके नंबर पे भी चली जाएगी। तो जो आपकी सेल्स एंड टेलीकॉलिंग टीम है उनको एक डिफरेंट लॉगिन यूज़र मिलेगा, वहाँ से वो हॉट लीड को चाहें तो प्रपोजल, ईमेल, रिमाइंडर्स, व्हाट्सएप के थ्रू और डायरेक्ट मेल के थ्रू भी पुश कर सकते हैं। आपकी जो सेल्स और टेलीकॉलिंग टीम है वो सारा डेटा एक सेंट्रल लीड मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर करेगी, सो दैट आपका ऑटोमेशन भी उन लीड्स पर स्टार्ट हो जाएगा। क्या क्या कर सकते हैं आप इस पर्टिकुलर टूल के साथ? इस टूल के साथ आप लीड को कैप्चर कर सकते हैं, उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, उसके ऊपर ईमेल भेज सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं, उन अगर कहीं पे कोई आपको हॉट प्रोस्पेक्ट मिलता है तो आप प्रपोजल भेज सकते हैं, आप सेगमेंटेशन कर सकते हैं, आप ईमेल टेम्पलेट बिल्डर के थ्रू अच्छे खासे ईमेल्स क्रिएट करके पुश कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं टू जनरेट अ लीड, देन आप कैलेंडर मैनेज कर सकते हैं, आप टीम मैनेजमेंट भी इसी के साथ कर सकते हैं और आप टास्क मैनेजमेंट भी इसी पर्टिकुलर टूल के साथ कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे आप देखिए कि आपकी जो वेबसाइट है उसको किस तरीके से आप ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आप हमारे ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू आप एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, उस फॉर्म को एम्बेड कर दीजिए आपकी वेबसाइट के कॉन्टेक्ट अस पेज पे, एंड देन उस पेज से जो भी डेटा आएगा वी कैन स्टार्ट कलेक्टिंग योर लीड्स इंस्टेंटली फ्रॉम दैट यू नो फॉर्म, एंड देन सिस्टम विल ऑल्सो स्टार्ट ऑटोमेटेड फॉलो अप्स। ये जिस फॉर्म से जो भी डेटा आएगा वो सेंट्रलाइज लीड मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, एंड देन आपका फॉलोअप सिक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा, उससे आपके ऊपर ये लीड नेचर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी विथ ईमेल एंड एसएमएस। और बेस्ट चीज़ ये है कि आपको एक्सेल शीट पे काम नहीं करना, सारा डेटा ऑटोमेटिकली सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। सो यू कैन से नो से गुड बाय टू मैनुअल वर्कशीट। देन एक ये बहुत अच्छा टूल है जो रिमाइंड कराता है आपको आपके स्टूडेंट के साथ या आपके कस्टमर के साथ। फॉर एग्जांपल आपका किसी स्टूडेंट के साथ कोई मीटिंग है, तो जैसे कि मैं एक आपको केस बताता हूँ, यहाँ पे लिखा है कि 12:30 पे आपकी किसी स्टूडेंट के साथ मीटिंग है, तो सिस्टम 30 मिनट पहले ही उस स्टूडेंट को एक रिमाइंडर भेज देगा कि यू हैव अ कॉल और मीटिंग इन नेक्स्ट 30 मिनट। सेम विथ यू, आपके पास भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यू हैव अ मीटिंग एट 12:30। ओके, तो आप उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और आप कोई भी मीटिंग या अपॉइंटमेंट फिर मिस नहीं करेंगे। लास्ट है ऑटोमेटेड रिफिल सिस्टम। अब इसके अंदर मान लीजिए आपके किसी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, उस स्टूडेंट को आप मार्क कर दीजिए एज ए स्टूडेंट। स्टूडेंट मार्क करने के बाद आफ्टर 30 डेज ये आपको डिसाइड करना है कब शूट करना है, आप एक उसको रेफर के लिए भेज सकते हैं कि रेफर समवन एंड गेट 10% डिस्काउंट ऑन द फीस, और इसका जो अलर्ट है वो इमीडिएटली आपके टीम को भी जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को, मतलब अगर आप एजुकेशनल एजुकेशन में हैं, आप टीचिंग में हैं, आप स्कूल चला रहे हैं, आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो आप इस टूल की मदद से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं, लीड को ऑटोमेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।